बड़ा क्रैप लिया है, मेरे फेस से भी बड़ा है। चिली गार्लिक क्रैप रेडी हो गया है भाई, देखिए। और अक्षत भाई ने कितना बढ़िया इसको प्रेजेंट किया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे चिली गार्लिक क्रैप लेग पीस। हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज अपन आए हैं, फोन आ गया। हेलो, हम आए हैं नावा और हम जाने वाले एलिफंटा। और बीच में ये बोट जो सामने दिख रही है, वो बोट से जाने वाले हैं। और बीच में कुक करने वाले हैं क्रैब। और कौन कुक करने वाला है पूरी टीम बता देता। देखो, आ गए दादा और दादा आ गए खेकड़ा। और इंटरनेशनल शेफ अक्षय परिहार जी भी आ गए आज। और हम जिनके पास स्पेशली आए वो है मी बेलपाड़कर गणेश भाई, अपने डायरेक्टर, और बाकी पूरी टीम स्पेशल आदमी है। सब पहुंच गए हैं और हमने जो लाया है खेकड़ा। कितना बड़ा क्रैप लिया है, मेरे फेस से भी बड़ा है। मेरे फेस से भी बड़ा है ये क्रैप। एक लेग पीस छोड़ दिया। तो देखिए अभी अपना चिल्ली गार्लिक खेकड़ा बनेगा भाई। खेकड़े अपने पास यहाँ पे। तो अभी बोट पे सब चढ़ गए हैं और बोट पे अभी बोट चालू होने वाली है। डेल को और हम है जैन पेटी उरन, इस जगह पे उलवा उरन, इस जगह पे जैन पेटी। और इधर से हम निकल रहे हैं एलिफंटा। देखिए मी बेलपाड़कर जी, जोर से हवा है तो बोट को थोड़ा किनारे से डीप की तरफ ढकलते हुए। और हमारी बोट निकल पड़ी है, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम निकले। सर कैसा लग रहा है आपको? बड़ा वाला कंटेनर का गाड़ी नीचे लग रहा है, उसके ऊपर सीधा लोड हो रहा है बड़ा बड़ा कंटेनर। और ये सामने एलिफंटा, यहाँ से बस 15 मिनट के दूरी पे है एलिफंटा। देखिए जैन पेटी उरन, यहाँ पे बड़े शिप से कंटेनर खाली हो रहे हैं। और देखो यहाँ पे मच्छी पकड़ रहे हैं, उसका गल अटक गया तो नीचे उतर के गल निकाल रहा है। और अपनी पूरी टीम एंजॉय कर रही है बोट पे। लसन पूरा छील के एकदम बारीक बारीक। हाँ, राउंड शेप में, लंबा लंबा नहीं, एकदम राउंड राउंड। ओके, राउंड भी नहीं, एकदम बारीक बारीक। ओके, जितना बारीक हो सकता है ना। वो प्याज भी एकदम बारीक बारीक चॉपिंग, एकदम छोटा छोटा जितना बारीक कटेगा। और अदरक भी छील के एकदम बारीक बारीक, ये तीन सब बारीक बारीक। ये ऐसा बस बड़ा बड़ा काटना, इसका ये बीच का नहीं चाहिए, ये हटा देंगे अपन, है ना। ये नहीं लेंगे, सिर्फ ये ऐसा। ये लाल वाली भी ऐसी बड़ी बड़ी काटनी है हमको, ऐसे करके जो बताया उन्होंने वो बस जब तक बाकी कटिंग हो रहा है मैं यहाँ पे ये काट लेता हूँ। बाकी कटिंग वहाँ पे गया है, देख लो अभी दादा के हाथ में देगा वो बंदा। और जैसा अक्षत जी ने कहा, मैंने सब वेजिटेबल्स बारीकी से कट कर दिए और ट्राई कर रहे हैं कुछ लग रहा है क्या। फिर अभी यहाँ पे होगा बोट पे क्रैप कुकिंग।
बनने वाला ये क्रैब चाइनीज स्टाइल। देखिए सब मसाले मिक्स हो चुके हैं यहाँ पे, सब कटिंग, और यहाँ पे पीछे पक रहा है अपना मसाला। और अभी कोर्ट पे कुकिंग चालू हो गई, देखो गैस चूल्हा जल चुका है, सब लोग। हाँ दादा, और सब मसाले मिक्स हो गए। मतलब खेकड़े के साथ देख सकते हो, अक्षत भाई ने सीक्रेट मसालों में बनाया हुआ क्रैब, इसमें क्या क्या डाला है वो तो ऊपर ही ऊपर आपने देख लिया है, लेकिन टेस्ट है वो सीक्रेट नहीं रहेंगे, वो मैं आपको सबको बताऊंगा कैसा बना है। और थोड़ा सा मीठा भी स्वाद आने वाला है, क्योंकि दादा ने क्रैब को हिलाने के लिए लिया है गन्ना, तो मीठा स्वाद भी आएगा इसमें थोड़ा सा। देखिए ये पूरा पक गया, मतलब पहले हम लोगों ने बॉईल करके लिया है, तो अब ये पक गया, इसके बाद में क्या करना है अपने को? अब अपन वेजिटेबल्स को सौते करके इसके ऊपर से मिक्स करेंगे और फिर खाएंगे, फिर बस खाएंगे। भूख लगा है बहुत जल्दी यार, करो फटाफट। चलो इसको उतार दो अभी, ये अक्षत भाई वहाँ पका रहे और दादा यहाँ पे चालू। अरे अच्छा बना क्या वो तो भाई, कैसे बना मस्त बन गया। अभी तो ये सब डलेगा ना, तो अभी कैसे बना है हम भी ट्राई करते हैं। पक चुका है क्रैक, और एक भाई अभी इसको डेकोरेट कर रहे हैं, इसको बड़ी कम चलो ऑलमोस्ट हो गया खाने के लिए बैठते हैं। आ जाओ खाने के लिए, तो चलिए भाई अपना चिल्ली गार्लिक क्रैब रेडी हो गया है भाई। देखिए और अक्षत भाई ने कितना बढ़िया इसको प्रेजेंट किया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे चिल्ली गार्लिक क्रैब लेग पीस, भाई देखिए इसमें, ये देखिए अक्षत भाई एकदम जबरदस्त बन गया, सही हो गया, एकदम मस्त बन गया। अब इसको ट्राई करते हैं, तो सच में बहुत बढ़िया है ये, बनाने के लिए बहुत कम समय लगा, लेकिन इसको प्रिपरेशन करने में भाई बहुत समय गया हमारा, 2-3 घंटा गया इसमें। सभी लोगों की बहुत मेहनत थी, मजा आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से रेसिपी बनाई है, और अक्षत जी ने सीक्रेट मसालों को डाल के, मुझे पता है क्या मसाले डाले हैं, सीक्रेट मसाले हैं, लेकिन वो अगर टेस्ट करना है तो आपको हमारे साथ आके खाना पड़ेगा। तो दादा कैसे लग रहा है? मैं तो खाया, मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त बना है भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ गया, और मैं अभी तक खा ही रहा हूँ। दादा भी खा रहे, एक नंबर। तो अगर आपको ऐसी अच्छे अच्छे डिशेस के वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, जिससे आपको ऐसी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो देखते रहेंगे आप। और अक्षत जी के लिए स्पेशली थैंक्स, जो आपने दुबई से आके यहाँ पे हमको एक रेसिपी बना के दिखाई, बेहतरीन सा डिश बनाया उन्होंने भाई, आते रहेंगे आते रहेंगे। अब बहुत ज्यादा मेहनत लगा लेकिन हमारा भाई, चलो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।